अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर, अभी मुंबई के शेर सोहेले थे, आप जाग गए, समझ ले, ओपन धमकी दे रहा हूँ तेरे को। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से लोगों की सुर्खियां बटोरता दिखा, जिसमें नदीम खान नाम का एक युवक लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देते दिखाई दिया। आपको बता दें, नदीम खान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन लोगों को धमकी देते हैं जो इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलता है या फिर मुस्लिम लोगों के खिलाफ कोई गलत काम करता है। अगर इस चीज का एक उदाहरण हम आपको बताएं, तो जैसे पिछले दिनों रामगिरी महाराज ने जो नबी पर टिप्पणी की थी, उस पर भी अपने अकाउंट से लाइव आकर रील अपलोड करके उनको भी नदीम खान ने धमकी देने का काम किया था। बता दें, हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई पर भी नदीम खान ने एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो में वो एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि सलमान खान कोई मामूली आदमी नहीं है, तू सलमान को जगा मत, नहीं तो बुरा हो जाएगा। छोटे, तूने बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए सलमान खान को धमकी दी है, जिस समुद्र में तू अभी उतरा है उसकी शार्क रह चुके हैं, लेकिन इससे बड़ी गलती तूने बाबा सिद्दीकी को जान से मारकर की है। बाबा सिद्दीकी मेरे भाई है, दम है तो मुझे मार। नदीम खान ने ये सारे शब्द लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करते हुए कहे। ओपन धमकी दे रहा हूँ तेरे को, मुंबई के शेर जाग गए, घंटा हम हमारी बीबी बच्चे का फिक्र नहीं करेंगे, आजा तेरे भेज, ये आटू झाटू शूटर बेचता है ना नदीम। इस वीडियो के सामने आने के बाद से कई लोग जो सलमान के फैन हैं, नदीम के सपोर्ट में उतर गए, लेकिन 24 घंटे के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि नदीम खान फिर से अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा आखिरी वीडियो है, इंस्टाग्राम ने मेरा सब छीन लिया, अब से ना मैं लाइव आऊंगा ना ही कोई रील बनाऊंगा। आज के बाद ना मैं कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा ना ही तो कोई मैं वीडियो डालूंगा। केवल 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ कि नदीम खान ने लॉरेंस से माफी मांग ली और उनके समाज की तारीफ भी करने लगे। फिलहाल इस वीडियो पर पूरी जांच की जा रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे TNN वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।